वो हमारे गुरु है, आज गुरु से पहली बार मिलेंगे और जेल से निकलते हुए मिलेंगे। रोने वाला इसमें क्या बात है, रोने भाई बारह के क्लब है। सुबह में आया था लोगों से कहने के लिए कि आप लोग चले जाइए, ठंड लग जाएगा। अच्छा, मतलब 4 बजे सुबह से लोग आ रहे हैं। 4 बजे सुबह में यहाँ लाइन लगी हुई थी। अच्छा। काफी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग बैठे हुए थे, वो लोग जिनको मनीष का सब कुछ किए नहीं। अरे बाप रे बाप, ये देखिए क्या कहना है। अरे गजब, अरे यार यार, अरे भाई सारा कैमरा एक तरफ, ये वाला कैमरा एक तरफ। नमस्कार मित्रों, आप देख सकते हैं इस एकदम पटना में है और बेऊर जेल के पास, जो कि मनीष कश्यप जो है बहुत जल्द निकलने वाले हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं और आज आपको लाइव भी दिखाएंगे। और फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि बेऊर जेल से प्रोसेस हो चुके हैं और मनीष भैया बहुत जल्द निकलने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम भीड़ है, पूरा बिहार का जितना भी सोशल मीडिया का रिपोर्टर, जितना भी है डिजिटल मीडिया, सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपना अपना सब दिख चाहने वाले भी, जो जितना भी रिपोर्टर यहाँ आ चुके हैं और देखने के लिए, देखिए टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं। उन लोगों का एक ही मानना है कि कब मनीष भैया बाहर निकले तो एक झलक हम लोग देख ले। और देखिए किस प्रकार से गेट पर अभी से भीड़ लगना और शुरू हो चुके हैं और चाहने वाले के लगातार भीड़ यहाँ बढ़ रहे हैं। और जितना भी बिहार का जितना भी यहाँ पर चाहने वाले, देखने वाले रिपोर्टर भी है और जितना भी यहाँ पर चाहने वाले उसके फैन फॉलोइंग है, यहाँ पर काफी भीड़ लगा करके, एक टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं। एक झलक, एक नजर देखने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों को भीड़ लगा करके बैठे हुए हैं। और काफी देखिए यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पर चाहने वाले, देखने वाले। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उस लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? विक्की कुमार। आज कहाँ आए हैं आप लोग? हम मेरठ घर है यहाँ पर। अच्छा, मनीष भैया को जानते हैं? कैसन थे वो? चलिए बिजी है, मनीष भैया को जानते हैं? जानते हैं। कैसन था मनीष भैया? ठीक थे। और उसको आज कहने के यहाँ पे मतलब उसको बेल मिलने वाले हैं यहाँ पे? ठीक है, तो मिल जाए तो आप बढ़िया के बात। खुश है ना? खुश है। चलिए और भी है और आइए। और आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं मनीष भैया के बहुत बड़ा फैन, जिसको जबड़ा फैन कहे। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आइए, ठीक है ठीक है। देखिए ये वही है मनीष भैया, आपका मनीष भैया टैटू जो बनवाए हैं, जबड़ा फैन। और कहते हैं मनीष भैया राम है और उनका ये हनुमान है जो सीना चीर के दिखाते हर वक्त। देखिए यही है वो मनीष कश्यप का बहुत बड़ा टाइटू बॉय और उसका बहुत बड़ा फैन। और आज आप पटना पहुंच चुके हैं और लगातार हम तक न्यूज पर लगातार इनका वीडियो आप लोग देखते होंगे और बहुत सारे सवाल थे और आज कहीं ना कहीं मनीष भैया के पास पहुंच चुके हैं। अभी तक मनीष भैया से मिले हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले हैं। आज पहली बार मिलेंगे और जेल से निकलते हुए मिलेंगे। और कितना खुशी महसूस हो रहा है आज मिलने वाले हैं मनीष भैया? देखिए खुशी तो बहुत है लेकिन दुख भी कोई कम नहीं है। खुशी बहुत है लेकिन दुख भी कोई कम नहीं है कि इसलिए कि आज पहली बार मिलेंगे और जेल से निकलते हुए मिलेंगे। वजह से ये बताइए, हम तक न्यूज पर जब आप पहली बार आपका वीडियो आए थे उस समय कहीं ना कहीं बहुत सारे पत्रकार आपके पास आए थे, लेकिन आज पहली बार मौका मिल रहा है जो हम तक न्यूज के सामने आज मनीष भैया से आप मिलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए आपको भी धन्यवाद कि आप भी यहाँ चल के आए हैं। हम तो लगभग 6 बजे से यहाँ हैं सर, 7 बजे से हैं और हम बहुत इंतजार में हैं कि कब हमारे गुरु निकलेंगे और हमें गुरु दर्शन देंगे। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे आप उससे सवाल भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो मेरा देखने वाला है, जो दर्शक है, फॉलोअर्स, वो कह रहे थे कि आप माँ बाप के टैटू नहीं बनवाए, मनीष कश्यप को क्यों बनवा लिए, उनके लिए आपने अंदाज में क्या बोलिए? देखिए हम बार बार यही कहेंगे कि माँ बाप को, माँ बाप ही हर व्यक्ति को जन्म देते हैं, हर इंसान को जन्म देते हैं, वो निर्माता हैं और कर्म जो है ना दिखाने वाले एक गुरु होते हैं जो कर्म कराने की ज्ञान देते हैं। तो हमें गुरु मिला और गुरु का हम टैटू बनवाए। हर व्यक्ति माँ बाप से प्यार करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। अच्छा ये जो टैटू आप, मैं वही सवाल करेंगे, टैटू बनवाए हैं और आज कहीं ना कहीं मनीष भैया आपसे पहली बार मिलेंगे तो क्या लग रहा है? पहला आपसे मिलेंगे मनीष भैया, आपको याद करेंगे, पहले आपको बुलाएंगे? देखिए पहले बुलाए या ना बुलाए लेकिन हमें उनकी दर्शन हो जाएगा ना, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मनीष भैया जो आप लोग मनीष भैया कहते हैं लेकिन हम उसे गुरु मानते हैं, वो मेरे लिए भगवान है और भगवान की दर्शन। आइए आइए, यहाँ पे मनीष भैया का फैन आए हुए हैं और टैटू बनवाए, इसके लिए क्या कहना है? अरे बाप रे बाप, ये देखिए क्या कहना है। अरे गजब, अरे यार यार, अरे भाई सारा कैमरा एक तरफ, ये वाला कैमरा एक तरफ करो, बोलिएगा इसके लिए। और कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा, मनीष भैया से अभी तक कभी नहीं मिले हैं लेकिन उनका टैटू बनवाया है। आखिर क्यों टैटू को दवा लिया? वो हमारे गुरु हैं। हाँ, आज हम पहली बार अपना गुरु से मिले। मनीष कश्यप को गुरु मानते हैं आप? अरे वो मेरे भगवान स्वरूप प्यार है भाई, प्यार है। आज आंख में इसको आंसू, चुप रहे चुप रहे, एकदम घबराना नहीं है, आपके शेर आ रहा है तो खुशी का पल में रोया जाता है।
पहली बार हम गुरु से मिलेंगे और जेल से निकलते हुए मिलेंगे, एकदम जेल से निकलते हुए मिलेंगे और गुरु मिलेंगे भी आपसे, दिखना नहीं है और एकदम चुप रहिए, एकदम आंखों में आंसू देखिए। एक बड़ा फैन जो है मनीष कश्यप का, देखिएगा ये सीने पे जो है किस तरीके से मनीष कश्यप का रो रहे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, और बर्दाश्त करना क्यों है, रो वो हमारे गुरु है, आज गुरु से पहली बार मिलेंगे और जेल से निकलते हुए मिलेंगे, रोने वाला इसमें क्या बात है भाई, बालक है क्लब है अपने गुरु, और यह जो है दुख की आंसू नहीं है, यह खुशी की आंसू है कि आज पहली बार हम उनसे मिलेंगे, आज हम अपने गुरु को देखेंगे, हम अपने भगवान स्वरूप गुरु को देखेंगे, मतलब भगवान मानते हैं आप मनीष कश्यप को, वो हमारे भगवान है, गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, बिल्कुल, इसीलिए आप जो है सीने पे देखिए एक बार दिखाइएगा बर्देश जी, मेरा कहना ये है कि आज तक अपना भगवान बिहार का बेटा, देखिए माइक नहीं कितना प्यारा जो है बिहार का बेटा को आज सीने पे जो है जगह दिया है, ये क्या सोचकर आपने यहाँ सीने पे टैटू बनवा लिया मनीष कश्यप का, हम भी एक पत्रकार हैं, हम भी पत्रकारिता करना सीखे ना तो मनीष भैया से, मनीष भैया से हाँ। हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया, फेसबुक पे बनाया, हाँ। जहाँ भी ट्विटर पे बनाया तो मनीष कश्यप जी को देख के ही बनाए, हाँ। और आज से 6 महीना पहले हम भी जेल गए थे वही सच की आवाज उठाने में, जिस प्रकार से मनीष भैया सच की आवाज उठाते थे ना, सच बोलना किसी ने हमें सिखाया है ना तो वह मनीष भैया थे, और जिस प्रकार से वो रिपोर्टिंग करते थे उसी प्रकार से हम भी करते थे, मेरा चैनल का नाम ताबड़तोड़ न्यूज रखा गया और अपने अंदाज में हम रखे ताबड़तोड़ न्यूज, दावा क्या बात है, जो है रिपोर्टर है सीने पे मनीष कश्यप को जगह दिए हैं और मनीष कश्यप की मनीष कश्यप से जिस तरीके इसके बाद जो है हम जो है स्कूल में रिपोर्टिंग करते करने के दौरान हम जेल चले गए, मेरे ऊपर SC ST का मुकदमा लग गया, अच्छा। और जेल गए 1.5 महीना हम जेल में रहे, जेल से आने के बाद हमें अकेला फील होने लगा, तो फिर सोचे क्यों नहीं हम अपना गुरु जिस गुरु से हमने सीखा उस गुरु को अपने सीने पे बैठा ले, फिर उसी अंदाज में ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग करते रहे और सच को दिखाने का कार्य करते रहे, और आज तक लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि किसी पत्रकार के लिए इतना बड़ा कदम कोई किसी ने उठाया था, और आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं, और इससे बड़ा विद्यार्थी है और ये काफी करीबी मित्र जो है मनीष कश्यप के भी माने जाते हैं, काफी साथ में दिखते थे, अच्छा भैया एक बात मेरा कहना है, मनीष कश्यप जी की रिहाई हो जाएगी, देखिए तकरीबन 4 से 5 बज जाएगा और मैं सुबह में आया था यहाँ, 4 बजे सुबह में आया था लोगों से कहने के लिए कि आप लोग चले जाइए ठंड लग जाएगा, मतलब 4 बजे सुबह से लोग आ रहे हैं, 4 बजे सुबह में यहाँ लाइन लगी हुई थी, काफी महिलाएं बच्चे बूढ़े लोग बैठे हुए थे, वो लोग जिनको मनीष कश्यप कुछ किए नहीं है लेकिन मनीष कश्यप को देखने के लिए लोग पहुंचे थे, ये रो रहे हैं एकदम शांति देर से, मनीष कश्यप से इतना प्रेम है कि जेल से निकलने वाले हैं उस खुशी में जो है, अब क्या एक बात है भैया इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, सीने पे जो है मनीष कश्यप से इतना प्रेम है कि सीने पे इन्होंने टैटू बनवा लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि माँ बाप का टैटू नहीं बनवाया है, मनीष कश्यप का टैटू बनवाया है, माँ बाप जन्म देता है, माँ बाप जन्म देना वो हमारे लिए भगवान है, पहला प्राथमिकता उन्हीं का होता है, लेकिन जो व्यक्ति मुझे इस संसार में ला के कुछ दिखाने का प्रयास करता है तो एक तरफ माँ बाप होते थे, एक तरफ वो भी व्यक्ति होता है, तो मनीष कश्यप इनके लिए कुछ किया है तो अब कोई लगवाता है, हमारे लिए क्यों नहीं छपवाए, आपके लिए क्यों नहीं करवाए, एकदम किए हैं, किए हैं ना जी, उनको देखे है ना, हम आज आपको हिम्मत दिया है, बता दिया है, आप माँ बाप के बारे में पूछे, आज आप एक मिनट, आप माँ बाप के बारे में पूछे है ना, हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे माँ बाप ने नहीं जन्म दिया है, हर इंसान को माँ बाप ने जन्म दिया है और हर इंसान जो है माँ बाप से प्यार करते हैं, हम भी माँ बाप से प्यार करते हैं, आप भी माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आज हमारे बिहार के लिए आवाज उठाने वाला हुआ, आज से आप जो है इतिहास पलट के देख लीजिए, जिस टाइम में मेरा देश आजाद हुआ था ना उस टाइम में मेरा देश मेरा बिहार भारत का नंबर वन राज रहा करता था, 1961 तक बिहार नंबर वन राज था, लेकिन आज जो है सबसे पिछड़ा राज है, लेकिन इसी पिछड़ा राज में कोई आवाज उठाने वाला बिहार का हुआ है तो अब बिहार का बेटा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हुआ है, भैया मनीष कश्यप का टैटू नहीं बनाए तो किसका, चोर का बनाएंगे, चोर का बनाएंगे जिसने बिहार को जो है आज सबसे पिछड़ा राज बना दिया, पिछड़ा राज बना दिया है, क्यों, जो राज आज पूरा देश में नंबर वन था तो वो आज पिछड़ा कैसे हो गया, जवाब है आपके पास, दे दीजिए ना, देखिए मजदूरों की लड़ाई लड़ने बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के लिए देखिए देखिए और कहीं ना कहीं अभी देख सकते हैं और बहुत बड़ा भीड़ यहाँ पे लग रहे हैं और देख सकते हैं,
देखिए मनीष कश्यप के नारा लगना शुरू हो गया। हम लोग अभी आरा जिला से आए हुए हैं, मनीष भैया को आज रिहाई था, उनका सुने हम यहाँ आए हैं। हम लोग अभी और लड़का रहा, आप लोग आरा जिला से आए हैं मनीष कश्यप रिहाई का यहाँ देखने के लिए। अच्छा मनीष कश्यप का पहला झलक यहाँ देखेंगे, कैसा अभी से खुशी महसूस? अभी से खुशी बहुत है की लहर का कोई कमी नहीं है। और सुनिए, जब मनीष कश्यप बाहर आ रहा है तो आरजेडी वाले ने एक रैली रख दिया है कि मनीष कश्यप बाहर आया है, तो आरजेडी वाले पूरा पटना में रैली निकाला है और 50 गाड़ी रखा है क्योंकि हमारा अब सरकार जाने वाला है और कि उसको डर लग गया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। और मनीष कश्यप भाई हमारा बाहर जेल से निकलेगा और उसको हम लोग बेतिया ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और पूरा हमारा गाड़ी काफिला भी आ रहा है, प्रशासन के द्वारा हम लोग गाड़ी काफिला आगे रोक दिया गया है, बोला गया कि अभी आप लोग नहीं जाना है। और आप लोगों क्या मानना है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं, इसीलिए आरजेडी ने अब काफिला तेजस्वी यादव ने अपना रैली रखा है और प्रशासन के द्वारा हम लोग का गाड़ी को आगे रोक दिया गया है। लास्ट रैली है और हमारे बाद राजद की रैली पटना में ना दिखेगा। गाड़ी को आगे रोक दिया गया है कि प्रशासन के द्वारा कि आप लोग को बेउर जेल अभी नहीं जाना है। पता नहीं तेजस्वी बाबू क्या हो गया कि हम लोग गाड़ी को भी आगे रोक दिया गया है। हम लोग अनिसाबाद से पैदल यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग गाड़ी भी आगे नहीं आने दे रहा है। अच्छा गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आने नहीं। आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं लोगों का आरोप है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आने की वजह से, मतलब इसने पहले रैली यहाँ पर रख दिया गया आरजेडी की तरफ से। बाकी आप लोगों क्या मानना है कुछ कमेंट कर जरूर बताते, तो देखते रहिए हम तक न्यूज, हम तक एक्सप्रेस, आगे का अपडेट दिखाएंगे लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर निकलेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए। जय हिंद।